जी, ईडी का दुरुपयोग होता है, जितने भी नेता विपक्ष में हैं या बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं उन पर तो ऐसे एक्टिव होते हैं कि बस आज ही के आज सारे केसेस को सॉल्व कर देना है, और जो सरकार के साथ वाले हैं उनकी कभी फाइल गुम हो जाती है तो कभी कुछ और हो जाता है, ये सीधा आरोप आपने सुना शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे लगा रहे हैं। देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी आरोप लगा रहे थे ईडी के ऊपर, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि संजय, इनके जो संजय प्रवक्ता है उनका, हाँ। तो हाँ, संजय राउत का मैं जिक्र कर रहा था कि उनके जो प्रवक्ता है उनका तो पाथराचाल घोटाले में नाम आया था, उसमें वो अरेस्ट हुए थे, कुछ सबूत रहा होगा, कुछ जानकारी रही होगी उसकी, बेल पर अरेस्ट हुआ, पहले बेल मिली नहीं उनको, लंबे समय बाद बेल मिली, और अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो राहुल गांधी राहुल गांधी पर कोई केस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और राहुल गांधी अचानक बोले तो लगता है कि भाई शादी के पास तो क्लीन है, मिस्टर क्लीन छवि है इसकी, इसके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है, इसने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी तो आपको पता है सबको कि किस तरीके से राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले पर बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दिया, सिर्फ गिरफ्तार करना, सीबीआई से कहा कि आप, ईडी से कहा कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन्हें बेल पर रखा हुआ है, तो वो जांच चल रही है। ईडी, मुझे लगता है कि अगर जांच करेगी, ईडी को अगर लगता है कि कोई पुख्ता सबूत हाथ में आ रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी आ रही है कि जिसमें नेशनल प्रॉपर्टी को 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए, शिफ्ट किया गया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच करेगी। रूबिका जी, संजय राउत जी के केस में जब वो 100 दिन के करीब जेल में रहे तो आदरणीय हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी कि जिस प्रकार संजय राउत जी के घर पे छापेमारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई, यह प्रक्रिया गलत थी और तत्काल प्रभाव से उन्हें बेल दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं महोदय से कि आप बताइए कि आपके सारी गिरफ्तारियां, सारी छापेमारियां ये चुन चुन कर विरोधियों पर ही क्यों होती है? आप उठा लीजिए ना किसी केंद्रीय मंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी मुख्यमंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी राज्य के मंत्री को, तब हम लोग कहेंगे कि आप निष्पक्ष हैं, आप दोनों आंखों से देखते हैं, नहीं तो आप पर आरोप लगेंगे। सवाल पूछा ना, जवाब जनता जनता समझ नहीं पाती सर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, 5 बजे का ये शो जो है दोनों आइडियोलॉजी वाले देखते हैं, दोनों तरफ की विचारधारा वाले लोग, तो भाई दोनों को सुनना चाहिए ना। आपने आरोप लगाया कि भाई हमारे ही नेता पर क्यों, समीर चौगाकर जी ने कहा ऐसा नहीं है, तो गिना दीजिए बीजेपी के कौन कौन से नेता समीर जी। बहुत जल्दी में जांच हो रही है, और मैं तो भी ये कहना चाहता हूँ इसके आपका जवाब दूं आनंद दुबे जी को, कि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने सिलेक्टिव जवाब दिया, संजय निरुपम ने केस क्लोजर की रिपोर्ट लगाई थी, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा जांच जारी रहेगी, आपको बेल मिल रही है, ये नहीं कहा कि आपको क्लीन चिट है, संजय राउत ने कुछ किया नहीं है, बेल मिलने का मतलब ये नहीं है, क्लीन चिट मिल गई। आनंद जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, आपका सवाल करिए ना, आपका सवाल महत्वपूर्ण है ना सर, ऐसा क्यों है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ में रह रहे लोगों पर किसी तरह की कोई ईडी सीबीआई आईटी की जांच नहीं है, है ना, बस आप ही के साथ ही लोगों पर है शाजिया इल्मी, इस सवाल का जवाब क्या है? यस जी, जी रूबिका जी, मैं बहुत ही जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड में अपनी आपराधिक लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी से बचकर और सबसे आखिरी नेता रहे जो पहुँचे, और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, वैसे ही मैं देख रही हूँ कि तहसीन ने कितनी चतुराई से उस मुद्दे पर बात लाई जिस पर करीब मेरे लगता है 6 महीने से ज़्यादा हर एक पॉइंट पर करीब 1000 बार चर्चा हो चुकी है। अब मैं वापस मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों लिखा। सबसे पहले तो मैं तहसीन जी से जानना चाहती हूँ कि यंग इंडिया की जो कंपनी जो 5 लाख में रजिस्टर हुई थी उसको 90 लाख का लोन कैसे दिया जाता है। फिर मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि 50,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे उसमें होती है। बीजेपी के प्रवक्ता को बेसिक इकोनॉमिक्स तहसीन डर लग रहा है आपको ना, 1 लाख की पेड़ कंपनी भी होती है ना, जैसे कहीं लगातार ना बोले मुझे, कुछ भी मतलब कुछ भी आपके टीवी पे बोलना, 5 लाख की पेड़ कंपनियों को एक गुना है, 1 लाख की भी होती है, मतलब बेसिक सिखाओ भाई, बेसिक। अरे कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला सिखाओ, दोनों को मौका दूंगी ना, एक एक पहले शायद मुझे बोलने का मौका ना, 5 लाख की पेड़ कंपनी को 90 लाख का लोन कैसे मिला है। 20 सेकंड में क्या हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं, सुनिए नहीं, मुझे मैं बोल के रहूंगी 20 सेकंड में, आप कहिए भाई, वो कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी तक क्या चीज फाइल नहीं की, पूरा वाला बिल मिला गए,
क्यों बिल बिला रहे हैं 2015 के केस में फाइल क्या चीज फाइल अच्छा एक बार बोलने दीजिए शाजी अली बैठा जा रहा है बताइए आप अरे कुछ भी बोले 5 लाख एक बार सुन लीजिए आप कर हुआ क्या आप काउंटर कर सकते हैं ना आपके पास पूरा मौका है ये बात का शाजी अली वो कह रहे हैं आप माहौल बना रही हैं जी मुझे 10 सेकंड देना पड़ेगा रुबिका ये गलत है रूपिका जी ये गलत है मुझे 20 सेकंड आप जरूर दें लगातार ये बोले अरे सर मैं आपको 30 सेकंड देती हूं अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगी चाहे भले ही कोई इंसान बहुत भयभीत महसूस करे या डर के मारे बिलबिलाए मैं तो बोल कर रहूंगी सबसे पहले बोलूंगी कि किस तरह से 90 करोड़ रुपए और 5000 करोड़ की जो पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई 38-37 शेयर होल्डर जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं जिसके चलते वो अभी बेल पर हैं या तो उस पर वो केंद्रित ध्यान करना चाह रहे हैं या मुझे लग रहा है वायनाड और वायनाड के लोगों के साथ जिस तरह से यूज और थ्रो इस्तेमाल करो और नहीं पर शाजिया जी आनंद दुबे तो अपने सवाल के जवाब का इंतजार ही करते रह गए राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं तो शर्मसार होकर पूरी डिबेट निकल लेकिन पर तहसीन जिसका आप पकड़ ले रहे हैं ना नेशनल हेड साहब ये बैठे हुए हैं यहां पर सत्येन जी वो बताएंगे उस वक्त वो भी मौजूद थे उपनिदेशक रह चुके मत भूलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं किसे पसंद नहीं है ये जो ईडी अगर कार्रवाई करे उन पर जिन पर गंभीर आरोप है भाई अगर आरोप है तो कार्रवाई तो होगी ना सिर्फ इसलिए कि आप विपक्ष में हैं आप पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा